हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वन सेकंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2024 में ऐसे कौन कौन से स्किल्स है जो आपको सीखने चाहिए। वो सारे स्किल्स फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं और वो सारी चीज़ें सीखने के बाद आप अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इन सारे स्किल को बताने के साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग उन स्किल को इस्तेमाल करके किस किस मेथड से किस किस तरीके से आप अर्निंग कर रहे होंगे। जो भी मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ ये सारे तरीके टेस्टेड हैं, सारा प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में। आई होप कि आप सभी लोग वेबसाइट के बारे में फैमिलियर होंगे, वेबसाइट क्या होते हैं। जो लोग नहीं है मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपने गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो किसी न किसी वेबसाइट पे रहती है। जैसे यूट्यूब पे सबका एक चैनल होता है, उस चैनल पे उनका कॉन्टेंट होता है, वैसे ही सबका कोई ना कोई वेबसाइट होता है और हर वेबसाइट पे लोगों का अलग अलग कॉन्टेंट होता है जो हम ही लोग बनाते हैं और हम ही लोग उस कॉन्टेंट को डालते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट क्या है। सो अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हैं देन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्यूचर में बूम करने के लिए। वेबसाइट डेवलपमेंट एक ऐसा स्किल है जो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वेबसाइट डेवलपमेंट में नए नए अपडेट्स आते चले जा रहे हैं, नए नई चीज़ें आती चली जा रही हैं, लेकिन जो बेसिक्स है वो बेसिक सेम है, ठीक है। और आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हो देन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट सीखे कैसे। इसके बहुत सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे बट मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी कोर्स को परचेज करके वेबसाइट डेवलपमेंट सीखो। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे वेबसाइट डेवलपमेंट फुल कोर्स, वहाँ पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाते हैं आपको। मैं खुद वेबसाइट डेवलपमेंट अभी सीख रहा हूँ, लगभग मैंने सीख रखा है और उसके ऊपर भी मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए, जब तक नहीं आती है तब तक आप यूट्यूब पर सर्च करके आपको जो चैनल समझ में आता है उस चैनल से आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है इसलिए आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। सो हम लोग वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं और देखते ये है कि एज अ वेबसाइट डेवलपर कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके अर्निंग कर रहे होंगे। जितना मुश्किल है वेबसाइट को सीखना बनाने के लिए उतना ही मुश्किल है वेबसाइट सीखने के बाद उस स्किल को इस्तेमाल करके अर्निंग जनरेट करने के लिए। 90% लोग वेबसाइट सीखने के बाद, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के बाद जॉब वगैरह खोजते हैं। बट मैं यहाँ पे जॉब नहीं बताऊंगा, जॉब तो एक ऑलरेडी है ही, ठीक है। अगर आपको कहीं जॉब मिलती है अच्छी खासी कंपनी में तो आप जॉब कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको 9 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो अगर वेबसाइट डेवलपमेंट आप सीख रखे हो तो उन 9 तरीके से आप जॉब के बिना अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो और उससे ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। कैसे करना है चलो जानते हैं। इस वीडियो में मैं केवल आपको एक तरीका बताने वाला हूँ और हर एक वीडियो में एक एक तरीके आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया है तो सबसे पहला तरीका है कि आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। फ्रीलांसर काम करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको 3 वेबसाइट बता रहा हूँ, ठीक है। आप उन 3 वेबसाइट पे जा सकते हो, बहुत ही फेमस वेबसाइट है, ठीक है। तो सबसे पहला वेबसाइट है freelancer.com, मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ। freelancer.com आपको सर्च करना है गूगल पे। सो जब आप freelancer.com सर्च करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको साइन अप कर लेना अगर आपका अकाउंट नहीं है, ठीक है। मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आपको बहुत सारे सर्विसेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आप सेल कर सकते हो, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, बैनर डिजाइनिंग हो गया, या फिर एज ए स्पीकर आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मिलता है कि हायर अ फ्रीलांसर, मतलब कि आप अगर यहाँ पे कोई सर्विस लेना चाहते हो तो यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो, या फिर एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करके अपना अकाउंट बना लोगे और वहाँ पे बहुत सारा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है बट मैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें बताऊंगा। और मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म बताता हूँ, upwork.com करके है, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे अपवर्क पे तो यहाँ पे भी आपको देखो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, सेम टू सेम freelancer.com की तरह। यहाँ भी आपको सर्विसेज आसानी से सेल कर सकते हो एज ए वेबसाइट डेवलपर। मैं आपको मिनिमम बताता हूँ, मिनिमम अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो तो मिनिमम आपको 6,000 से 7,000 रुपये के बीच में मिलते हैं, ठीक है। इतना लोग चार्ज करते हैं मिनिमम, वो भी सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन का। देखो वेबसाइट डेवलपमेंट 3 पार्ट में होता है, मतलब समझ लो कि 3 तरीके होते हैं, या वेबसाइट डेवलपर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है जो फ्रंट एंड डिजाइन करता है, समझ लो कि जो कार है ना, कार का डिजाइन जो डिजाइन करता है, सिर्फ उसकी बॉडी वगैरह डिजाइन करती है, उसकी कलरिंग वगैरह कि कैसा कार दिखेगा, वो होता है फ्रंट एंड डिजाइन। बैक एंड डिजाइन क्या होता है कि जो कार को चलाने का काम करता है, मतलब जो इंजन वगैरह का काम करता है, वो बैक एंड हो गया। वैसे ही वेबसाइट पे एक होता है जो हम लोग को ये सामने दिख रहा है, ठीक है, और इसके पीछे जो काम हो रहा है, लाइक डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये एनिमेशन वगैरह आ रही है तो जावास्क्रिप्ट में आ जाएगा, ठीक है। डेटा वगैरह स्टोर हो रहा है, जो भी आप यहाँ पे डेटा डाल रहे हो, आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है मनी का, तो वो सारे बैकेंड का काम है। और थर्ड ये होता है जो पूरा डेवलपमेंट करता है, जो फ्रंट एंड भी डिजाइन करता है और बैक एंड भी डिजाइन करता है, मतलब कि ये भी बनाता है और साथ में इसका डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए सारा फंक्शन यहाँ पे स्टोर करता है, सारी चीज़ों को मैनेज करता है, तो उसे फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं, ठीक है। तो जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं उनके बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, मिनिमम 40 से 35 हज़ार रुपये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर आप रजिस्टर कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट पर जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है fiverr.com। अब fiverr.com यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है वेबसाइट डेवलपमेंट, नीचे आओगे स्लाइड करोगे,
यहाँ पे आप देखोगे कि कई सारे लोग जो वेबसाइट डेवलपमेंट करके लोगों को देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं। एक होता है वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना जो कि विदाउट कोडिंग होता है, वो भी आप सीख सकते हो। एक होता है कोडिंग के साथ वेबसाइट बनाना, तो आप इंटरनेट पर सर्च करो तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो एज ए वेबसाइट डेवलपर इसने 135 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। मैंने बोला ना मिनिमम यहाँ पे देखो 6,000-7,000 है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो इसको 13,000 रुपये ये बंदा ले रहा है, यहाँ पे 21,000 रुपये, 22,000 रुपये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पूरा सर्च करोगे, मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाना फुल स्टैक डेवलपर। मैं भी फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखो लोग कितना कितना कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये तो मिनिमम, ये बंदा देखो प्रो बंदा है जो कि 20 ही प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और 130,000 रुपये ले रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ, यहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन बना रहा है जो कि वेबसाइट के फॉर्म में एक एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे देखो 8,71,000 रुपये चार्ज कर रहा है भाई, यहाँ पे देख रहा हूँ ये प्रोजेक्ट पूरा कस्टमाइजेबल एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए इतना ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है। और ये 20 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है। अगर आप सोचो कि सिर्फ बेसिक का प्रोजेक्ट इसने अगर कंप्लीट किया है तो 20 यानी कि 20 लाख रुपीज़ ये बंदा कमा चुका है, समझ रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रजिस्टर करते ही आप कमाने लगोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट बनाना है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद प्रोफाइल में जाके आपको अपना नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, और जो भी डिटेल आपने वहाँ पे पूछेगा सिंपली आपको वो सारा डिटेल भर देना। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि फाइवर पे प्रोफाइल या अकाउंट कैसे बनाते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं बस सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे आप चैनल बनाते हो ना तो इतना जल्दी नहीं आता है, वहाँ पे व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं। वैसे यहाँ पे भी इतना जल्दी आपको ऑर्डर नहीं देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपने बनाया और कल ही आपको ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे माइक्रो नीश पकड़ के चलना पड़ेगा। अब ये माइक्रो नीश क्या होता है, देखो वेबसाइट बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टॉपिक पे वेबसाइट बनते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली अगर डालोगे कि एज ए वेबसाइट डेवलपर तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा। मैं सिंपली आपको चल के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया वेबसाइट डेवलपर, यहाँ पे देखो कितने सारे सर्विसेज अवेलेबल, 46,000 सर्विसेज अवेलेबल है। आप सोचो 46,000 लोग सर्विसेज दे रहे हैं और यहीं पे जो फ्रंट पेज में जो आएगा सर्विसेज उन्हीं को मैक्सिमम लोग जाएंगे, उन्हीं को मैक्सिमम लोग ऑर्डर करेंगे, कोई आगे वाले पेज पे शायद ही चला जाए या फिर 2-3 पेज तक मैक्सिमम लोग जाते हैं। तो आप यहाँ पे कहाँ रैंक कर पाओगे। बट अगर मैं यहीं सर्च करता हूँ कार वेबसाइट, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ कार वेबसाइट। अब देखो कार की जो वेबसाइट बनाती है, कार कंपनी की जो वेबसाइट बनाती है कार से रिलेटेड, ठीक है, वहाँ पे देखो सिर्फ 1600 सर्विसेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपके रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि आप बनाओगे तो आपका जो गिग है वो सबसे लास्ट में, इसको गिग बोलते हैं, या आप ऐड चला रहे हो ना इसको गिग बोलते हैं, तो आपका जो गिग है वो सबसे लास्ट में रहेगा, ऐसा नहीं है। आप जितना अच्छा SEO उसका करोगे उसी हिसाब से आपका रैंक करेगा। SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप ये टाइटल कैसे डाल रहे हो, टाइटल कैसे चूज करके डालो। जैसे आपने डाला ना यहाँ पे कार वेबसाइट, आई विल डिजाइन कार वेबसाइट, तो ये थोड़ा अलग हो गया, ये रैंक करने के चांसेस बढ़ गए। दूसरा यहाँ पे टैग्स वगैरह होते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डालनी होती है। और साथ में आपको यहाँ पे ये अट्रैक्टिव थंबनेल वगैरह डालना पड़ेगा, ये जो फोटो वगैरह जो आपने बनाया हुआ ना, जैसे कि मैं ये प्रोफाइल अगर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने जो क्या है ना, ये देखो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इसने डाला है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए होगा। वैसे मैं यहाँ पे एक और चीज़ को सर्च करता हूँ, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट एक्सपर्ट देखो ऑलरेडी दे दिया मैंने पर सर्च किया, यहाँ पे देखो 85,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो मतलब आप ई कॉमर्स वेबसाइट अगर बनाना चाहते हो, वो सर्विसेज देना चाहते हो, तो आपको रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आपको ऐसी वेबसाइट चूज करनी है जिसका डिमांड हो पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, तो इसलिए आप आसानी से यहाँ पर रैंक कर पाओगे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो फाइबर पर सिंपली आप अकाउंट बना सकते हो, अपवर्क पर बना सकते हो, freelancer.com पर, तीनों वेबसाइट पर बना सकते हो। साथ में आप चाहो तो आप लिंक्डइन पे भी अकाउंट बना सकते हो, वहाँ पे अपना प्रोफाइल वेबसाइट डेवलपर की तरह रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर वहाँ भी मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ पे फाइवर के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो आप इस तरीके से रजिस्टर करके एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हो, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हो तो। मैंने आपको दिखा दिया कि लोग कितना कितना कमा रहे हैं, बट मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ, कॉम्पिटिशन हर फील्ड में है। जब तक आप कुछ यूनिक नहीं डिजाइन करोगे तब तक आप यहाँ पे रैंक नहीं कर पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आप यूनिक डिज़ाइन नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पर रैंक नहीं कर पाओगे। इसलिए आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, नो डाउट। आने वाले समय में आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन गूगल पे सर्च करते हो वो सारी चीज़ें वेबसाइट्स पे हैं। तो वेबसाइट का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ने वाला है। सारे बिजनेस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन हो रहे हैं, कोई भी नया बिजनेस आ रहा है तो वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन हो रहा है, चाहे छोटा से छोटा शॉप क्यों ना हो गया, लोग अपना वेबसाइट बना रहे हैं, अपने प्रोफाइल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, अपने स्कूल्स के लिए वेबसाइट बनवा रहे हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए वेबसाइट बनवा रहे हैं, हर एक काम के लिए लोग वेबसाइट बनवा रहे हैं। इसलिए वेबसाइट डेवलपमेंट का जो करियर है ना वो बहुत ही सिक्योर और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आने वाले समय में आपको कुछ AI टूल भी आएंगे जहाँ से आप वेबसाइट बहुत ही आसानी से बना पाओगे, बट ऐसा नहीं कि सारे लोग उसको बना लेंगे, जो लोग वेबसाइट की बेसिक्स जानेंगे वही वेबसाइट डेवलपमेंट में
AI को भी इस्तेमाल करके काफ़ी आसानी से वेबसाइट बना लेंगे। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि AI आने के बाद ये सारी स्किल खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने यहाँ पे पहला तरीका आपको क्या बताया कि एज अ फ्रीलांसर आप वेबसाइट डेवलपमेंट अगर सीखते हो तो आप बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये पहला मेथड समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख देना कि आपको समझ में आई। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते गए इस नेक्स्ट।